इस हेडलाइंस के लिए हमारे साथ तावन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज के साथ मैं हूं जमात। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस। कोटा दो पहाड़पुर के करीब आसमानी बिजली गिरने से दो खवातीन समेत तीन अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 कोट सुल्तान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फालिया शुमाली वज़ीरिस्तान में बुज़दिल दुश्मन के हाथों जान शहादत नौश करने वाले फालिया के सिपाही रियासत अली को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द हक कर दिया गया। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पिंडी गेट में बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि सड़कें तालाबों का मंजर पेश करने लगी। स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने सर्दी को एंजॉय करते हुए गर्म खानों और खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख कर लिया। जामशोरो सुबह वजीर बल्दियात सैयद नासिर शाह जामशोरो पहुंच गए। सैयद नासिर शाह का सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी की दफ्तर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। और मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं निकल रही और भी इनके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं सब तातुल का शिकार हैं और कोई सामने चीज़ नहीं आ रही। इसी चीज़ को फोकस करते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अहकाम दिए थे, फिर मलिक साहब और हमने ये आज ये मीटिंग रखी है। एक तो जो ज़ेरे इल्तवा इनके प्रोजेक्ट हैं उनको एक्सपीडाइट किया जाए और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, क्योंकि एसडीए के लिए बहुत ज़्यादा परसेप्शन भी है और इसमें हुआ भी है, यहाँ पे बहुत इश्यूज भी, तो उन सारी चीज़ों को कैटर करने के लिए वक्तन फवक्तन यहाँ पे विज़िट भी मैं करूँगा और इन सारी चीज़ को देखेंगे भी। और पहले भी जी बी सालों साल नहीं होती या होती हैं तो फिर उनके जो भी चीज़ें तय होती हैं उन पर। मंडी बहावुद्दीन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर में यकजातीय कश्मीर के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत डीएसपी ट्रैफिक पुलिस परवेज गोंदल ने की। रैली में कश्मीर के हक में नारे लगाए गए, मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली से खिताब करते हुए डीएसपी ट्रैफिक परवेज गोंदल ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। रैली में शरीक ट्रैफिक पुलिस अफसरान और मुलाजमान के अलावा शहरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली का अख्तिताम रेलवे फाटक पर हुआ। हाफिजाबाद अंदरू ने रेलवे स्टेशन के करीब 45.6 ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। 30 मिनट से जायद रेलवे फाटक बंद होने से ट्रैफिक जाम, आवाम परेशान। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर बुरसा की तलाश शुरू कर दी। मंडी बहावुद्दीन रसूल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में दो स्टूडेंट के ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, जिसके नतीजे में दो तलबा शदीद जख्मी हो गए। तलबा ने इस कदर शदीद एहतजाज किया कि कॉलेज की ईंट से ईंट बजा दी। जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। साहिवाल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के बयान के मुताबिक महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से किसानों में पोल्ट्री यूनिट तकसीम किए गए। और इसके अंदर एक सेट सबको दिए जा रहे हैं मुर्गियाँ, उसके अंदर ये जो इमरान खान साहब का विजन है हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से, इससे हेल्थ से रिलेटेड है। वह 1050 की अंदर इनको सब्सिडाइज है, जो 1500 की सेट है वो 1050 में दिया जा रहा है और 70% जो है वो फार्मर ने बेयर करना है और इसके अंदर जो 30% है वो हुकूमत ने बेयर करना है। तो ये मैं समझता हूँ लाइफ स्टॉक का एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। और साहिवाल लाइफ स्टॉक के ऑफिस में हम पोल्ट्री यूनिट्स की तकसीम कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रिए खुशहाली मनसूबा के तहत इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। ये इस प्रोग्राम के पहले मरहले का आगाज़ है, जिसमें साफ पूरा अंदाजी के ज़रिए हमने 400 फोर्ट अब्बास में कश्मीरियों से सारे जाति के लिए निजी फाउंडेशन के जरिए तमाम रैली निकाली गई। रैली कमेटी चौक से शुरू होकर तहसील बाजार से होती हुई चौक फवारा पर इख्तिताम पजीर हुई। रिपोर्ट करेंगे तनवीर सुल्तान। फोर्ट अब्बास में कश्मीरियों से इजारे यकजहती के लिए नजीब फाउंडेशन के जरिए इख्तिताम रैली निकाली गई। रैली कमेटी चौक से शुरू होकर तहसील बाजार से होती हुई चौक पारा पर इख्तिताम पजीर हो गई। शुरका रैली ने फ्लैक्सीज और कुतबे उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरियों के हक में नारे दर्ज थे।
रैली में बच्चों, बड़ों और किसानों ने भरपूर शिरकत की। शुरका की जनब से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे। 100 दिन से कश्मीरी मुसलमान भूखे प्यासे रहने पर मजबूर। आलमी दुनिया नोटिस ले और कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी दिलाए। कैमरामैन अब्दुल तौहीद के साथ तनवीर सुल्तान, टुडे न्यूज़ फोटाबाद। साहिवाल गैस बचाओ और बचत के साथ इस्तेमाल के हवाले से आगाही वाक। महकमा सुई गैस ने सर्दियों में गैस की बचत और महफूज इस्तेमाल के हवाले से आगाही वाक का एहतमाम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वॉक हमने साहिवाल रीजन में एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से अरेंज की थी ताकि अवामुन्नास को गैस की बचत के बारे में आगाह किया जा सके। इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला गैस का सफिशेंट वॉल्यूम अवेलेबल है ताकि गैस की कमी का बायस नहीं बनेगा और अभी तक किसी भी क्वालिटी में लो प्रेशर कंप्लेंट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम वहाँ को ये भी गा करना चाहते हैं कि इस अनमोल नेमत को बचत के साथ इस्तेमाल कर। आज की वाक जो है एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से हमने अरेंज की थी, उसमें लोगों को, उसमें हम मीडिया की तरफ से हम सारों को ये बताना चाहते हैं कि गैस, कुदरती गैस एक अनमोल तोहफा है, उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। गीज़र का सर्दी में गैस हीटर का सर्दी में इस्तेमाल ना करें, गीज़र का इस्तेमाल करें। और गीज़र के लिए हमारे पास कॉनिकल बैफल्स हैं, वो इजी इंस्टॉलमेंट में ऑफिस से मिल सकती है और हम खुद जाके वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और इसके अलावा सोलर हीटर्स हमारे पास मौजूद है, गीज़र टाइमर डिवाइस है, गीज़र टाइमर डिवाइस से भी गैस की बचत होगी, बिल में बचत आएगी। मुजफ्फरगढ़ में चौथी तीन रोजा थलजीप रैली का आगाज हो गया। पहले दिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और क्वालिफाइंग ग्राउंड जारी। इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए मुल्क भर से सियाहों की बड़ी तादाद आई हुई है। सियाह मुजफ्फरगढ़ के जिले इंतजामिया और DACP के मशहूर नजर आते हैं जिन्होंने जंगल में मंगल लगा दिया है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज़। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट todaynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस हेडलाइंस के लिए हमारे साथ तावन किया है।